भोजपुरी फिल्मों की अग्रणी निर्माण कंपनियों में एक रेणु विजय फिल्म्स एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही भोजपुरी फिल्म दाग एगो लांक्षन का मुहूर्त आज गोरखनाथ के पास में सदर सांसद व भोजपुरी फिल्मों के मेगा स्टार रवि किशन के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन ने फिल्म के निर्माता निशांत उज्जवल की तारीफ करते हुए कहा कि मेरी भी कई फिल्मों के पीआरओ रहे हैं, इनको आगे बढ़ते देख काफ़ी प्रसन्नता होती है। रवि किशन ने कहा, धीरे धीरे हमारा गोरखपुर फिल्मों की शूटिंग के हब बनते जा रहे हैं, जो अच्छी बात है। यहाँ की आबो हवा व सुंदरता फिल्मकारों को लुभा रही है, यह अच्छी बात है। यहाँ नए नए रोजगार के अवसर प्रदान हो रहे हैं। कलाकारों को काम के लिए मुंबई या अन्य जगह नहीं जाना पड़ रहा है। काफ़ी खुशी की बात है कि सुपरस्टार आम्रपाली दुबे और रितेश पांडे यहाँ शूटिंग कर रहे हैं। फिल्म के निर्माता निशांत उज्जवल, निर्देशक प्रेमांशु सिंह व लेखक मनोज कुशवाहा हैं। इस फिल्म में मुख्य भूमिका भोजपुरी की सबसे बड़ी अभिनेत्री व लोगों की चहेती आम्रपाली दुबे निभा रही हैं। फिल्म में रितेश पांडे, विक्रांत सिंह राजपूत, रक्षा गुप्ता, अमित शुक्ला, रंभा शाहनी, निशा तिवारी, बबलू पंडित, सत्यप्रकाश और ज्योति कलस मुख्य भूमिका में हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए सदर सांसद व भोजपुरी फिल्मों के मेगा स्टार रवि किशन व सुपरस्टार आम्रपाली दुबे ने कहा, कैमरे के साथ फोटो हो जाए, मीडिया फोटो लेके केसरी हिमांशु जी का इधर आओ, हम रूपाली आओ, रितेश और निशांत हाँ है ना, थोड़ा बेटा इधर आ जाओ, निशांत यहाँ आ रहा हूँ, राइट में आओ, किसको कहते हैं, ठीक है ठीक है। ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नकारणाय सतिजज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोलि विघ्नहर्ता गणेश भगवान। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष गो शान्तिः पृथिवे शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः गुरुभ्याभ्यो भयन्न सुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वशान्तिर्भवतु। ओम नमो देवे महादेव शिवाय चंद नमः नमः प्रकृत भद्राय नेता प्रणस्ताम गणपति बप्पा मंगलमूर्ति। रेणु विजय फिल्म एंटरटेनमेंट कृत दाग एगो लांक्षन हम सांसद बने 70 फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। ये महादेव की कृपा, अनगिनत रोजगार यहाँ पर हुआ। भोजपुरी सिनेमा को मैं धन्यवाद दूंगा इंडस्ट्री से। आज मेरे छोटे भाई निशांत ने और प्रियांशु जी ने एक फिल्म यहाँ पर लेके आए एज ए डायरेक्टर वाइज वो एज ए प्रोड्यूसर। और हम भोजपुरी की जो सबसे बड़ी अभिनेत्री हैं, सुपरस्टार हैं, आम्रपाली दुबे जी हैं, हमारे छोटे भाई रितेश पांडे इज अ सुपरस्टार, ये लोग आए हैं एक बहुत अद्भुत स्क्रिप्ट लेके। ऐसी स्क्रिप्ट बहुत प्रियांशु जी जो कि जाने जाते हैं अच्छी स्क्रिप्ट को लेके, तो इन्होंने दाग एगो लांक्षन एक इमोशनल सेंटिमेंटल कहानी है, बेहतर वो बता सकते हैं। पर टाइटल से मुझे जो लगता है कि एक बहुत ही इंटेंस कोई स्क्रिप्ट है, नहीं तो आम्रपाली बहुत ही चूजी हैं, रितेश चूजी हैं, निशांत इतना पैसा इतना लगाते नहीं, और एक बड़े बजट की फिल्म इन्होंने यहाँ शुरू की और आज इसकी चर्चा बहुत समस्त पूर्वांचल में है कि दाग एगो लांक्षन एक फिल्म यहाँ पर शुरू हो रही है। और अभी जीत का सहरा बांध के आम्रपाली दुबे यहाँ पर हमारे छोटे भाई दिनेश लाल यादव जी, माननीय सांसद आजमगढ़ के जीत में इनका बहुत बड़ा ग्रीड की हड्डी थी, उसके बाद स्ट्रेट वो थकान के बाद ये शूटिंग पर आई हैं। तो मैं आपके लिए एक जोरदार ताली भी चाहता हूँ और बहुत सारी आम्रपाली दुबे जी को बहुत शुभकामनाएं। आजमगढ़ के किला फतेह करने में इनका भी एक बहुत बड़े योद्धा की तरह योगदान रहा।
तो आज ये बहुत खुशी की बात है। पूर्वांचल, खासकर मेरे संसदीय क्षेत्र पूज्य महाराज जी का क्षेत्र गोरखपुर, यहाँ पर इतनी बड़ी फिल्म शुरुआत हो रही है और 70 फिल्म हो चुकी है अभी तक। तो मैं समस्त हिंदी इंडस्ट्री को भी जल्दी लाना चाहता हूँ, यहाँ एक भोजपुरी फिल्म सिटी बनाने का जो 150 एकड़ में हमारा प्लान है, वो भी मुझे लगता है कि पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से बहुत जल्द मैं 150 एकड़ ज़मीन देख चुके हैं, कहीं महाराज जी बता रहे हैं, और उसको हम लोग फिल्म सिटी का रूप देंगे, जहाँ पे ये भोजपुरी का गढ़, मैं चाहता हूँ कि गोरखपुर भोजपुरी का गढ़ हो, क्योंकि एयरपोर्ट से लेकर सारी सुविधाएँ ये सेंटर में हैं। तो गोरखपुर फिल्म सिटी हमारी इंडस्ट्री लावारिस इंडस्ट्री, हम लोग गुजरात भटकते हैं लावारिस की तरह, माँ बाप कोई नहीं, हम लोग हर जगह भटकते रहते हैं, तो एक छत मिले, वो छत गोरखपुर है और महाराज जी का विशेष कृपा है, उन्होंने तब हमको सांसद बनाया, दिनेश लाल यादव जी को बनाया, ताकि वो भोजपुरी के प्रति उनकी बहुत विशेष कृपा है, अब वो कृपा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मैं चाहूँगा कि लाखों बच्चे जो मुंबई भटकते हैं वो सब लोग यहीं पर काम पाएँ, और दाग एगो लाचन ने एक बड़ा न्यूज़ आज समस्त भारत में फैलाया कि गोरखपुर एक फिल्म सिटी का रूप धारण कर चुका है। जी, मैं चाहूँगा कि आम्रपाली बेहतर बताएं, मैं सांसद होके बोलूँ ये ठीक नहीं लगता। ये एक जो रामायण से चला आ रहा है कि आप यू नो एक औरत को किसी भी तरीके से जज कर सकते हैं, आपका जब मन करे आप उसके चरित्र पर शक कर सकते हैं, और यही चीज़ है जो एक औरत को बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, उसी के इर्द गिर्द ये कहानी घूम रही है। और अभी रवि भैया बता रहे थे गोरखपुर महाराज जी का क्षेत्र है, उनका क्षेत्र गोरखपुर मेरा घर है, तो मुझे जब भी यहाँ पे शूटिंग करने आने का मौका मिलता है। वोटर हो तुम मेरी, हाँ, तुम्हारा आधार कार्ड भी हम बनवाए हैं, भूल गए हम इनका आधार कार्ड बनवाए। तो नहीं भैया, बट अभी गोरखपुर ज्यादा घर जैसा महसूस होता है जब से आप यहाँ पे हैं, तब से ज्यादा अच्छा लगता है गोरखपुर में। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी है यहाँ पे शूटिंग करने के लिए, हमको सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है गोरखपुर में, हमको सारे लोकेशंस परमिशन सब इजीली ग्रांट हो जाते हैं, तो हम सबको बहुत मज़ा आता है हर बार गोरखपुर में। जी जी, बहुत अच्छे अच्छे गाने तो हैं फिल्म में, अभी मैं बोल नहीं पाऊँगी गानों के बारे में ज़्यादा, आज पहला दिन है, लेकिन हम लोगों ने साथ में स्क्रिप्ट पढ़ी है, हमने रितेश जी ने, डायरेक्टर सर प्रेमांशु जी ने, निशांत जी ने, और कई बार स्क्रिप्ट रीडिंग के टाइम पे ऐसा हुआ कि हम लोग सब कई पॉइंट पे इमोशनल हो गए, तो कहानी बहुत अच्छी है, बहुत इंटेंस है, और आप लोगों को देखकर बहुत मज़ा आएगा।